हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल प्राइमरी स्कूल राजगढ़। दोस्तों, लेके आए हैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लेक्चर वीडियो। और ये टॉपिक है दोस्तों अभिप्रेरणा, जिसको हम इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, क्या है मोटिवेशन, क्या है इंस्पिरेशन, क्या है अभिप्रेरणा, इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, कौन कौन से शिक्षाविद हैं जो इसको अपने रूप में परिभाषित करते हैं, उनकी परिभाषाएं देखते हैं और फाइनली हम इनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अभिप्रेरणा के अर्थ पे। अधिगम में अभिप्रेरणा, चूंकि जब आप सीखते हैं, कोई भी काम आप सीखते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? इंस्पिरेशन चाहिए, अभिप्रेरणा चाहिए, उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। तो कोई भी आंतरिक या बाह्य उत्तेजना, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस जिसके कारण कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है, प्रेरणा कहलाती है। तो इंस्पिरेशन क्या है दोस्तों? या कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा या इंटरनल, जिसकी वजह से आप रेस्पॉन्स करते हैं, आप बिहेवियर करते हैं, वही क्या कहलाती है? प्रेरणा। किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि कुछ अलग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्रेरणा को एक मानसिक प्रक्रिया, इसको एक मेंटल प्रोसेस मानते हैं या आंतरिक शक्ति मानते हैं, जिसके फलस्वरूप कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर या अभिप्रेरित होता है। मनोवैज्ञानिक इसको दोस्तों एक मानसिक प्रक्रिया या एक शक्ति मानते हैं, एक इंटरनल पावर मानते हैं, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति क्या करता है, उसी मानसिक शक्ति या इंटरनल पावर से प्रेरित होकर के वो क्या करता है, कोई भी व्यवहार करने के लिए मोटिवेटेड होता है। इस प्रकार प्रेरणा को हम प्राणी के शरीर यंत्र की चालक शक्ति कह सकते हैं। अगर हम इस पूरे शरीर को, अगर दोस्तों शरीर को एक यंत्र की संज्ञा दें, तो प्रेरणा क्या है? उसका इंजन है, चालक है, जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार वह शक्ति जो प्राणी के व्यवहार को न केवल संचालित करती है, बल्कि उसे निर्देशित करती है, उसे संगठित करती है, वही अभिप्रेरणा या प्रेरणा कहलाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आते हैं मनोवैज्ञानिकों की कुछ परिभाषाओं पे। दोस्तों, वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि अचीवमेंट क्या है, निष्पत्ति जिसको बोलते हैं, जिसको उपलब्धि बोलते हैं, उनका कहना था कि हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, जो एबिलिटी हैं इनबॉर्न, उसमें अगर हम मोटिवेशन को जोड़ दें तो वही हमारा अचीवमेंट है। अर्थात व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर ही विकसित होती है। आप बहुत ही योग्य हैं और उसके बाद आप इंस्पायर्ड नहीं हैं किसी भी लक्ष्य के प्रति, तो आपका दोस्तों उपलब्धि या निष्पत्ति नहीं आएगी, अचीवमेंट कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो रहेंगे। फिर गुड कहते हैं प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। गुड की परिभाषा बहुत अच्छी है। गुड साहब कहते हैं ना केवल स्टार्ट करने, बल्कि उसको कॉन्टिन्यू करने और रेगुलेट करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। फिर ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन की परिभाषा है, इनका कहना है कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं, जो उसकी इंटरनल एनर्जीज हैं या आवश्यकताएं, उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। ये मानते हैं कि अभिप्रेरणा वो प्रोसेस है, जो सीखने वाला है उसके अंदर जो आंतरिक ऊर्जाएँ हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, और वो वातावरण में जो कई लक्ष्य हैं उसकी ओर निर्देशित होती हैं। फिर ड्रेवर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं ड्रेवर की परिभाषा। ये कहते हैं अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है। ये इसको भावात्मक और क्रियात्मक कारक मानते हैं, जो चेतन या अचेतन ढंग से निर्धारित परिणाम या लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निर्धारित करने के लिए क्रियाशील होता है। तो दोस्तों, ड्राइवर का ये मानना है कि एक भावात्मक कारक है, जो चाहे चेतन हो या अचेतन ढंग से, उसका उद्देश्य होता है कि निर्धारित परिणाम या लक्ष्य उसको मिले और व्यक्ति के व्यवहार
की दिशा को ये निर्धारित करने के लिए क्रियाशील होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं हैं। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। अगर कोई मोटिवेटेड है दोस्तों तो उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, अर्थात अभिप्रेरित व्यक्ति का कोई अस्पष्ट लक्ष्य या उद्देश्य अवश्य होता है। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो कोई ना कोई तो आपका लक्ष्य है ही। जिस हिसाब से आप मोटिवेटेड हैं, आपका कोई भी गोल हो सकता है, आप परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं या आईएएस होना चाहते हैं या कोई जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उद्देश्य या लक्ष्य दोस्तों ज़रूर होता है तथा प्राणी इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्रियाशील या प्रयासरत रहता है। ओके, फिर चलते हैं दूसरी विशेषता पे। अभिप्रेरणा प्राणी में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप ऊर्जावान हैं, सामान्य ऊर्जा आप में नहीं रहेगी। व्यक्ति अभिप्रेरित व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार की तुलना में अधिक प्रबल होता है, अर्थात अभिप्रेरित अवस्था में प्राणी अधिक उत्तेजित एक्साइटेड होता है, अधिक क्रियाशील होता है। कोई भी व्यक्ति अगर अभिप्रेरित है तो मोर एक्साइटेड होगा, मोर एक्टिव होगा और मोर एनर्जाइज्ड होगा। ओके, अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति चयनात्मक होती है, अर्थात अभिप्रेरित अवस्था में प्राणी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुछ चयनित प्रतिक्रियाएं ही करता है। अब जो भी आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है सीटेट को क्वालिफाई करना, तो जो सिलेबस है, जो सेलेक्टिव पोर्शन है, आप उसी के प्रति मोटिवेटेड रहते हैं, ना कि सारी चीज़ें पढ़ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अभिप्रेरित व्यवहार में अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति तक निरंतरता बनी होती है। जो मोटिवेटेड बिहेवियर है, जब तक उसका वांछित लक्ष्य दोस्तों नहीं मिल जाता है तब तक वो बना रहता है। फिर पांचवा इसकी विशेषता, यह एक भावात्मक उत्तेजना की स्थिति है जो प्राणी में एक मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न कर उसे सकारात्मक दिशा हेतु प्रेरित करती है। तो दोस्तों ये तो रहा अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं और इसकी विशेषताएं। आपको ये कैसे लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना और इसे अपने ही दोस्तों के बीच में दोस्तों शेयर करना। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो बेल आइकन दबा के इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियोज़ लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।